Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have read about different tribal communities in India and in different areas like Ahoms in the Assam or Northeast, then after the Gonds in Chhattisgarh, then after different communities like Bhil of the Central India. Nearly about every region of इंडियन सबकॉन्टिनेंट है सम ट्राइबल ग्रुप्स, लगभग हर क्षेत्र में कोई ना कोई ट्राइबल ग्रुप्स हमारे यहाँ मुंडा रहे, जैसे मुंडा और संथाल थे, हम झारखंड की बात करें तो इस प्रकार के हमारे यहाँ ग्रुप रहे। अब उनका जीवन कैसे चलता था, हाउ द नोमड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, के जो नोमड्स थे, घुमक्कड़ लोग थे, इधर से उधर घूम के अपना गुजारा करते थे, जनजातीय लोग थे, ये किस प्रकार अपना गुजारा करते थे। अब ये ज्यादातर कैसे थे, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, नोमैडिक जो जगह जगह घूम घूम के अपना गुजारा करते हैं, पेस्टोरलिस्ट जो जानवरों को चराते हो, यानी अपने साथ जानवरों का झुंड रखते हो, तो ये किस प्रकार अपना गुजारा करते, ये अपने जानवरों को एक देश दूसरी जगह लेके जाते, किस पर सर्वाइव करते, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो दूध और दूध से बनी हुई चीजें, उसके साथ साथ ऑन द पेस्टोरलिस्ट आइटम्स, जो ये जानवर चराते थे उनसे मिलने वाली चीजों से। अब उसमें देखा कि हमने बहुत सारी जगह से क्या करते कि अपने यहां से जानवरों को चराते चराते दूसरी जगह तक मूव करते। अब कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी जो दे कांट फुलफिल देयर ओन, अपने आप से पूरी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए क्या करते, दे आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट अगेंस्ट अदर्स विच दे रिक्वायर, तो वो सामान बेचते तो दूसरे के बदले में जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वो बुल जानवरों से मिलने वाले अपने ऊन और घी को बेचते, उसके बदले में जो सेटल्ड कम्युनिटीज थी, जो खेती वगैरह करती, उनसे ग्रेन्स, क्लोथ, यूटेंसिल्स, यानी बर्तन, कपड़े, अनाज वगैरह उसके बदले में खरीद लेते अपना गुजारा करने के लिए। तो इस प्रकार ये घूम के अपना गुजारा करते, अपने जानवरों को चलाते, उन जानवरों से मिलने वाली चीजों के बदले में दूसरी चीजें लेते जो उनकी रिक्वायरमेंट होती सेटल्ड कम्युनिटी से। उसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, इसी प्रकार के नोमैडिक जो ट्राइब थी, जो जनजाति थी, जो कि घूम घूम के अपना गुजारा करती थी, वह थे बंजाराज। तो बंजाराज किस प्रकार अपना सर्वाइव करते, इनका बड़ा ग्रुप होता है, जो समूह होता है उसको बोलते हैं टांडा, यानी बंजारों का जो ग्रुप होता है, जो एक बड़े कारवां के अंदर मूव करता है, एक साथ काफी संख्या मूव करता है, उसको बोलते थे टांडा। और ये क्या करते हैं, एक जगह दूसरे को घूमते रहते हैं अपने जानवरों के साथ, और उसी दौरान वो सामान किसी जगह से खरीदा, दूसरी जगह जहां दूसरी जगह उसको बेच दिया, फिर वहां का सामान खरीदा, अगली जगह बेच दिया, ऐसे व्यापार का काम भी करते थे। उसी में देखा अलाउद्दीन खलजी, ये कब सल्तनत काल में हुए, अलाउद्दीन खलजी, इन्होंने तो इनको इस्तेमाल किया था टाउन और सिटीज, यानी कस्बों तक अनाज को पहुंचाने के लिए, यानी गांव से कस्बों तक अनाज को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप रखते थे जानवरों के लिए। उसी प्रकार जहांगीर, जो कि हमारे मुगल पीरियड में हुए हैं जहांगीर, इन्होंने तो सेना के लिए युद्ध के दौरान, या जो सेना के लिए जहां भी वो कैंपेन चलाते हैं उसके साथ जो सामान जरूरत होती है उसके लिए इनका इस्तेमाल किया था, कि सेना का जो राशन वगैरह है या उनकी और रिक्वायरमेंट्स हैं, वेपन्स वगैरह उनको पहुंचाना है, तो बंजारों का इस्तेमाल किया था। और कई कई बार इनकी संख्या लाखों में होती थी, कई कई बार इनका जो ग्रुप था टांडा, इसको हम बोल रहे कारवा था, इसमें 1,00,000 से ज्यादा बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियां होती थी, इसके अंदर की वो सामान दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो ये बंजारा सबसे महत्वपूर्ण जनजाति थी जो कि व्यापारी के तौर पर काम करती थी। उसके अलावा जो गुजारा करने वाले लोग थे वो किस प्रकार, कुछ दे रियर्ड एनिमल्स एंड सोल्ड देम, कुछ एक तो जानवर पालते और कैटल्स जो घरों में खाने जानवर पालते उनको बेचते, जैसे घोड़े वगैरह, किसको, प्रोस्पेर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का अमीर वर्ग था उसको जानवर पालते उनको बेचते। कुछ एक क्या थे पैडलर, जिनको हम बोलते पैदल घूम घूम के, जैसे हमारे गाँव में कोई रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लोग अलग अलग सामान बेचने आते हैं, तो कुछ एक लोग ऐसे घूम घूम के गाँव गाँव में सामान भी बेचते। उसके अलावा सम वर वर्किंग एज एंटरटेनर्स, कुछ एक एंटरटेनर का काम करते, जैसे घूम घूम के कोई भी किसी प्रकार का खेल वगैरह दिखाना, जैसे पहले नट का आता था, कोई रस्सी के ऊपर चल रहा है, इस प्रकार के खेल दिखा के लोगों का मनोरंजन करने का काम भी करते थे। उसके अलावा जो चीजें उनको अपने यहाँ रिक्वायरमेंट जंगलों से मिलती थी, घूम घूम के मिलती, उन चीजों से जो चीजें कलेक्ट करते या नई चीजें बनाते, क्राफ्ट का काम करते, उसको भी सेल करते थे, जैसे कोई कारपेट वगैरह बना दिया गया, रस्से वगैरह बना दिए गए, उन सारी चीजों को भी वो ले जाके बेचते थे। तो इस प्रकार ये घूम घूम के अपनी रिक्वायरमेंट अपने जानवरों से और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट से पूरा करते, जो चीजें इनको रिक्वायरमेंट उनसे पूरी नहीं हो पाती तो वो चीजें जो उनके पास अवेलेबल होती उनको सेल करते दूसरे चीजों के बदले में, जस्ट टू एक्सचेंज द गुड्स, की बाकी चीजें जो सेटल्ड कम्युनिटी उनसे खरीदी जा सके।
तो इस प्रकार ये लोग घूम घूम के अपना गुजारा करते थे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार हमारे यहाँ नई जो जनजातियां हैं या जातियां उनके अंदर ये दे ट्रांसफॉर्म बदल गई और किस प्रकार नए ऑक्यूपेशन को अपना लिया और किस प्रकार हमारे हायरार्की बन गई, यानी हायरार्की मतलब बड़े से छोटे के अंदर बढ़ते चले गए समाज। इफ यू वांट आउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड नेक्स्ट।